अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू सीरीज़ ऑफ वीडियोस फ्रॉम अहमदाबाद। हम आ चुके हैं आज यादें हिलाई गोट फार्म पे। हम लोग मुफ्ती जैद साहब के साथ में हैं और आज आपको जो इनका कुर्बानी का कलेक्शन है माशाल्लाह बहुत ही शानदार ज़बरदस्त कलेक्शन वो दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलेक्शन आया है कुर्बानी के रिलेटेड। तो कितने बकरे आए टोटल हमारे पास? टोटल 110 बकरे हैं एंड ये कंटिन्यूटी रहेगी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, है ना, इसके बाद में और लॉट आते रहेंगे। तो ये बकरे क्या रेंज से वज़न का इनका क्या रेंज है? वज़न से 450 से लेकर 550 तक। वज़न का रेंज इनका क्या है भाई? ये वज़न में 45-50 किलो से लेकर है जी। 100 किलो आप है, 100 किलो तक के बकरे इसके अंदर। ये बकरा जो लेकर आ रहे हैं जी, ये कुछ 90 या 95 केजी का होगा। ये बहुत ही मतलब माशाल्लाह चीज़ है भाई, ज़बरदस्त क्वालिटी। दांत दिखाओ आप। ये 70 किलो पर होगा, दो दांत फ्रेश है। 65 या 70 किलो पर बकरा है। बहुत ही शानदार, पालने के लिए अच्छी चीज़ लग रही है मेरे को। ये बकरा 90 किलो या 100 आप होगा। ये देखें आप माशाल्लाह। तो ये बकरे अगर कोई ख़रीदता है तो आप वज़न पे बेच रहे हो कि नग पे बेच रहे हो? नहीं, वज़न पे बेचते हैं, नंग पर भी देते हैं। कोई बंदा अगर धार कर लेता है तो नंग पर भी देते हैं, लेकिन आमतौर पर अपना फोकस वज़न पे ज़्यादा रहता है। क्या रुपए में आप ये सेलिंग कर रहे हैं? ऐसे मैं इसको दे रहा हूँ 450 से 450-550 तक। अच्छा, मतलब डिफरेंट जैसा उनका वज़न क्वालिटी रहती है ऐसा वज़न। जैसे 100 किलो के जो ऊपर के बकरे हैं वो फिर हायर रेट्स में बिकेंगे, 500 के ऊपर जाएंगे। इसके अंदर और भी कुछ बड़े बड़े बकरे हैं, मैं एक एक करके आपको बोलूँगा कि दिखाते रहिए माशाल्लाह। लोगों को एक वास्ट डिफरेंट तरह के बकरे। और मेन बात आपके यहाँ की अच्छी लगी कि जो लोएस्ट रेंज है आपका बहुत सही है, 450 में भी आदमी को बकरा मिल जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि आदमी को 18-20 हज़ार में भी आप कुर्बानी का बकरा मिलेगा इंशाल्लाह। आपका जो फार्म है ये एग्जैक्टली कहाँ सिचुएटेड है? मैं जो लोकेशन है वो लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज़्यादातर लोग तो आएंगे यहाँ से बुक कर लेंगे जी। आजकल कोई जल्दी घर लेके जाता नहीं है। हाँ, तो इधर अपन रखते हैं, जैसे कोई बंदे ने अगर बकरा खरीद लिया जी तो अपने उसको अपने पास रखते भी हैं। काफ़ी लोगों ने लिया, उसको रखा हुआ है। पलाई का चार्जेस क्या होता है आपका? पलाई का चार्जेस फाइनल पर डेज 80-100 रुपये इस तरह से लेते हैं। 80 से 100 रुपये डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द गोट, है ना जी। और इसके अलावा अगर ये बकरा कोई खरीदता है, इसमें दो दांत का बकरा है 70 किलो पे आज जी जी, वो बकरा अगर कोई खरीदता है तो अगले साल की पलाई पे भी रखेंगे आप? हाँ रखेंगे। पलाई के क्या चार्जेस है आपके? पलाई का अपना 2000 से 2500 रुपया तक रहेगा पर मंथ। सही है माशाल्लाह, ये भी एक काफ़ी नॉमिनल है मेरे हिसाब से जी जी जी। मैं ना इसमें से अभी ना 2-3 बड़े बकरे पहले वज़न करते हैं हम लोग, कोई लोगों को एक आइडिया मिल जाए क्या वज़न के बकरे अवेलेबल हैं। जो बच्चे लिए वो इस तरह के बच्चे, दो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना जी। हाँ, जो आप मेरे को बोल रहे थे दोस्तों, मैं एक बात बता दूँ आपको, बहुत ही जल्द इनके पास में 60 गोट्स हैं भाई। वो 60 बच्चे हैं बहुत ही उम्दा क्वालिटी के। वो दोनों बच्चे मैं पकड़ के दिखाता हूँ, दो छोटे बच्चे हैं और पकड़ के लाओ भाई, ठीक है। ये ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे, आप इनको लेके भी जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप इनको यहाँ पलाई पे भी रख सकते हो। दोनों मुंडे बच्चे, ये 5 मंथ के होंगे, 40 केजी यहाँ पे। इनका क्या पलाई चार्ज है? दो से ढाई हज़ार। और ये अगर आपसे ही ख़रीदना है हमको ना, तो ये क्या रेट में इनका स्टार्टिंग हो रहा है? ये 13,000-14,000-12,000 ऐसा, मतलब 12,000 में से 15,000 के बीच में बच्चा आ जाएगा, उसके बाद में 2 से 2500 रुपये जो पलाई का चार्ज है। मतलब इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली साल की कुर्बानी में एक अच्छा बकरा रेडी करके यहाँ से मिल जाएगा। चलिए, और इंशाल्लाह हम अहमदाबाद आते ही रहते हैं, अगर आप यहाँ बकरे पलाई पर रखेंगे तो उनका रिज़ल्ट वगैरह हमारे वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ 4 या 5 बड़े बकरे हैं वो मैं बोलता हूँ हमारे भाई को पकड़ के दिखाएंगे अभी। तो भाई आपको कुछ बड़े बकरे हैं माशाल्लाह, वो भी वेट करके दिखा देंगे। 0 दिखाया मैंने अभी, आप इसको अंदर डाल सकते हैं भाई। फिरोज भाई रुक जाओ पहले, वो भाई अच्छा डालो आप, डालो। अच्छा इधर से आएगा, इस साइड से। गेट बंद कर। नाइन्टी केजी पे है माशाल्लाह, और अभी ये सब फीडिंग भी नहीं हुआ है ना? फीडिंग नहीं हुआ, अब होगा इसका। 90 केजी पे बकरा अल्हम्दुलिल्लाह। खोल दो भाई,
और जो नेक्स्ट प्लॉट आ रहा है वो ऑलमोस्ट 90 केजी वाली बकरी है, 90 केजी पट्टी है, 79-80 केजी पकड़ेंगे इसका भी। खोल दो भाई इसको भी, मुझे अब ये बकरे के बाद में इंशाल्लाह ये भी 79-80 किलो है, ठीक है। तो आप इसको एक मिनट मत डालिए अभी, एक मिनट रुको। मुफ्ती आपको क्या लगता है, आपने वजन किया इसका कि गैस करेंगे इसका कितना वजन होगा? 100 होना चाहिए। कितना एक नंबर अगर 102 आप क्या बोलते हैं? ये 100 अब है, 104 105 हो। चलिए देखते हैं इंशाल्लाह। ये लोगों गैसिंग गेम में काफ़ी मज़ा आता है, माशाल्लाह हैवी भाई। दांतों में पूरा हो गया कि कम है भाई? ये 101 पूरी सेंचुरी है भाई, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र। खोल लीजिए, 101 वजन है इसका। बंद कर दो। तो हर रेंज के बकरे हैं, वजन करके दिखाए जा रहे हैं आपको। ये रेंज के बहुत बकरे हैं, 70, 72, 73। जान दो इसको भी, गुलाबीपन देखो। ये बकरा भी अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह। इमरान भाई इसको जान दो अंदर, खुद जाने तैयार है भाई यार, बहुत शानदार। देखते हैं, मेरे को लग रहा है 90 में है ये माशाल्लाह। सब बकरे अभी फीडिंग नहीं हुई है इनकी, फीडिंग बाकी है। जान दो भाई, लाओ एक एक आध बकरा और कर लेते हैं। फिरोज भाई एक मिनट, लाओ लाओ लाओ। सेवेंटी 72, ठीक है जान दो इनको। एक लास्ट बकरा कर लेते अभी जो फिरोज भाई के पास है। ठीक है छोड़ दो इनको। ये वैसे 72 केजी की पट्टी थी जी, उसमें कुछ बकरे ज़्यादा वेट कर रहे थे। उसके बाद आगे भी एक वाड़ा है जिसमें हमने सेलिंग कर दिया है जी, अलग ही हम फीडिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये छोटा है वाड़ा, इसमें ये हो दिखा दे सकते हैं अंदर से, ये देखें आप लोग। वाह जी, तो जो दोस्तों बिके हुए बकरे हैं वो अंदर हैं, इसमें भी बिके हुए कुछ। अच्छा, इसमें भी है, लेकिन वो वाला कुछ छोटा रहता है ना, तो बकरे में क्या थोड़ा सफोकेशन वगैरह तंग ना रहे, इसलिए दिक्कत। मेजरली ये बकरे बिके हुए हैं अंदर जो है, इसमें भी काफ़ी बिके, इसमें भी काफ़ी बिके हैं। वो जो बकरा है 70 किलो वाला, दो दांत पे वहाँ खड़ा है, वो बिक गया के बाकी हो? वो बाकी हो, दो दांत पे 70 किलो। बकरा बहुत ही नायाब है माशाल्लाह, पालने के हिसाब से अगर कोई खरीदे तो उसको पलाई पे भी रख सकते हैं आप लोग। ये अंडूल खस्सी है वैसे, खस्सी चौक मार दी, सिंग वगैरह बहुत परफेक्ट बकरा है माशाल्लाह। और जो दो बच्चे और हैं मैं बता दूं आपको एक बार, ये रहे, ये फोर साल नहीं है, ये घर में नियत कर रहे। पर ये ऐसे ही बकरे आएंगे ना वो? हाँ, ऐसे ही आएंगे इंशाल्लाह। सही, तो अगर किसको भी लेना होगा तो आ जाएंगे यहाँ पर। एक बार आपका नंबर भी बता दीजिए। 9925650650, ये मेरा नंबर है। और एक और नंबर लिखो, 98 जी बता दीजिए आप। तो आपको दो नंबर दे रहे हैं हम डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 9825520517, ठीक है। एक बार ये हमारे भाई का नंबर है अब्दुल्ला, 9825320517, ठीक है, अब्दुल्ला नाम है। और ऊपर वाला मेरा नंबर है 9925650650, ठीक है। तो जिसको भी लेना होगा, एक तो ये बकरे हैं, एक गाड़ी अभी आ रही है जो 90 केजीज की रेंज है, और उसके बाद में बच्चों की गाड़ी आएगी कि बड़े बकरों के साथ ही बच्चे आ जाएंगे? नहीं, बच्चे आएंगे करीब करीब, हम बकरा ईद के बाद ही लाएंगे वो। अच्छा, अभी खरीद के रख लिया हमने, हाँ, वो बकरा ईद के बाद ही लाएंगे, क्योंकि अभी लाकर उसको कोई मतलब नहीं आसिम भाई जी, जब तक अभी जब ये बड़े बकरों का सेलिंग नहीं हो जाता जी। और ये देखो, इसमें से क्वालिटी वाले भी बकरे हैं, क्या बात है, फुल गुलाबी ज़बरदस्त, और वज़न में भी मतलब फिजेबल है मेरे हिसाब से।
अराउंड 60 किलो का होगा। छोटा बकरा जो अपने पास है वो 45 केजी का है जी। आई थिंक वो भी है जैसे छोटा बकरा है वो है, एक ये है ऐसा। हाँ ये होगा 45-48 केजी के, बाकी ज़्यादा पर बड़े हैं। ये देखिए एक छोटा, पर जो छोटे भी है बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। गुलाबी बकरे देखें आप, ये एक बकरा, सिंग देखो इसके, सारे खस्सी बकरे हैं। सब अच्छी फिटिंग के बकरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द अपना बकरा बुक कर सकते हैं। ये बकरा बिका नहीं बिका भाई, बड़ा वाला बिक गया 100 केजी वाला, तो अक्सर बिक गए, खाली 25-30 बकरे इसमें आमतौर पर छोटे बकरे रह गए जी, इसलिए वो बड़ी पट्टी। और जो 90 केजी की पट्टी आ रही है वो कौन से दिन आ जाएगी इधर? वो फ्राइडे तक आ जाएगी, फ्राइडे सैटरडे तक आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो वही मैं दोस्तों आपको ये वीडियो देखने मिल जाएगा। आप फ्राइडे या सैटरडे नेक्स्ट वीकेंड आप विजिट कीजिए प्लीज़, और यहाँ से अपना बकरा बुक कर सकते हैं। सो इमरान भाई भी हैं यहाँ पर। इमरान भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपको कैसी लगी इमरान भाई, क्वालिटी वाइज एंड एवरीथिंग? कुर्बानी के लिए एक नंबर माल है जी। और मेरे हिसाब से जो रेट इन्होंने खोला है, आई डोंट थिंक अहमदाबाद में ये रेट अच्छा रेट है ना, 450 से स्टार्ट कर रहे हैं, 450 एंड इट्स गोइंग अप टू 500। अच्छा, और दूसरा क्या है कि अभी ये तो माल जैसे बिक चुका है, नया माल भी आएगा जैसे आपने पहले बताया, उसके बाद अभी ये रन करेगा पलाई पे भी जी, के जो मतलब पलाई पे भी रखना चाहता है। अभी तक तो क्या था कि ब्रीडिंग सेटअप पे थे फोकस पूरा जी, अभी इस पे भी फोकस किया हुआ है, मतलब पलाई पे भी यहाँ रख सकते हैं। पलाई पे भी रख, पलाई के चार्जेस भी आई थिंक ये कम ही ले रहे हैं, चार्ज लगभग वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिए है। अंडुल नहीं लेंगे ठीक है, खस्सी बकरे लेंगे 2000 और 2500 डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द गोट ठीक है, ये लेंगे। और महीने में दो बार इसे वजन करके बताएंगे, बार बार आपको वजन करके नहीं बताएंगे, महीने में दो बार दो मरतबा वजन करके। और मैं तो बोलता हूँ लोग खुद आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, एक बार भी बताओ तो काफ़ी है दो। हाँ लेकिन वो अभी कमिट कर रहे तो यू नो ज़्यादा से ज़्यादा दो बार, नहीं तो एक बार बस हो गया। सही, आप खुद आके अपना बकरा देखें, इधर टाइम स्पेंड कर सकते हो इनके साथ। बड़े बकरे भी रख सकते हैं आप पलाई पे, छोटे बच्चे इनसे खरीद के रख सकते हैं, तो काफ़ी ऑप्शन है इंशाल्लाह आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपके रिव्यू के लिए। और कुछ बकरे देख लेते हैं यहाँ पर, आप पूरा आप देखते हो बकरे इधर, खाना पीना अच्छा खा रहे हैं बकरे? माशाल्लाह सब अच्छे खा रहे हैं। अच्छा हाफिज जी के लड़के हैं, माशाल्लाह। नाम क्या आपका? मोहम्मद उमेर। मोहम्मद उमेर, सब देख लेते हैं दवा पानी सब, माशाल्लाह। बकरे वेट गेन कर रहे हैं आने के बाद में? हाँ कर रहे हैं ना, खाने पीने पे सेट हो गए यहाँ पर? हाँ माशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, खास करके आपका शुक्रिया, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। आमीन आमीन। सो दोस्तों आप लोग आइए प्लीज़, अपना बकरा जल्द से जल्द याद लाए गोट फार्म मुफ्ती साहब के यहाँ से बुक करें। अस्सलामु अलैकुम।